कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी की और डॉक्टरों को काम पर लौटने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर आप काम पर वापस नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक प्रशासनिक ढांचा कैसे चलेगा। अस्पतालों की स्थिति को लेकर मैं खुद जानता हूँ। जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था तब मैंने भी सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोकर रात गुजारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिनमें डॉक्टरों ने 48 या 36 घंटे की ड्यूटी के भारी दबाव की शिकायत की है। सीजीआई ने आश्वासन दिया कि यह मुद्दा आज के आदेश में शामिल किया जाएगा और इसे सुधारने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इस बीच ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में नई जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीड़िता की गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 12 अगस्त को पीड़िता के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार 8-9 अगस्त की रात को पीड़िता के साथ रेप और मारपीट की गई थी। बाद में उसके गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के समय का अनुमान 9 अगस्त की सुबह 3 से 5 बजे के बीच लगाया जा रहा है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। मामले की तफ्तीश जारी है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।